हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपांकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 3D बीपो चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या बहुत ही आसान ही सर्किट बनाने वाले हैं। सर्किट फ्रेंड्स है एक बैटरी इंडिकेटर। आप वो इंडिकेटर देख के अंदाजा लगा सकते हो कि वो बैटरी में कितने परसेंट चार्ज है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को पहले फटाफट से सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाओ, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट को बनाने के पहले आप लोग को जो सामान लगेगा, पहले बात तो आप एक पीसीबी बोर्ड, बेल्ट बोर्ड और ऐसे क्या आप खुद आपने मतलब कोई बोर्ड नहीं है ऐसे कर सकते हो। तो पहले मैं और इजी करने के लिए पीसीबी बोर्ड लेता हूँ, कटा हुआ पीसीबी बोर्ड। तो फ्रेंड्स, पीसीबी बोर्ड को आप कट कर सकते हो, मिडिल से आप देख सकते हो, मिडिल से आप कट कर सकते हो। मैं कट करूँगा, अभी कटा नहीं बस कट करूँगा। तो फ्रेंड्स, और क्या लगेगा हम लोग को, पाँच जो बल्ब एलईडी बल्ब लगेगा, देख सकते हो क्या। मैं इधर एक रेड कलर का बल्ब लिया हूँ, देख सकते हो फ्रेंड्स, एक रेड कलर का और दो ब्लू कलर का, ये वाला दो ब्लू कलर का और ये दोनों ग्रीन कलर का बल्ब है, एलईडी बल्ब। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा दूसरा सामान। और तीसरा फ्रेंड क्या, हम लोग को पाँचों हमको 1K रजिस्टर लेना है। इसका कलर कोड यार बहुत देख सकते हो किसका कलर कोड है, ब्राउन देन ब्राउन ब्लैक एंड रेड, देख सकते हो इसका कलर कोड है ब्राउन ब्लैक एंड रेड। तो फ्रेंड्स, चलिए इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस तीनों सामान से इजी से हो सकता है। और यार वायर चाहिए, क्योंकि वो लास्ट वाला जो कनेक्शन होता है उसके लिए तो वायर लगेगा, इसलिए फ्रेंड्स कुछ वायर भी ले लेना। तो चलिए सर्किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग का जो पीसीबी है, ये पीसीबी हम क्या कट कर लेंगे। हाँ, फिर पीसीबी कट कर लेते हैं, पहले मार्क कर देते कितने सारे कट करेंगे। तो देख सकते हो मेरा पीसीबी कट हो चुका है, देख सकते हो। पीसीबी कट होने के बाद हम लोग को क्या, जितने सारे बल्ब है वो लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पहले रेड कलर का जो बल्ब है, ये वाला रेड कलर का बल्ब है, तो रेड कलर का बल्ब को हम क्या, जितने सारे बल्ब है ना, सारे के सारे हम लोग को क्या सीरीज में कलेक्ट करना है। हमें यहाँ पे सीरीज में मतलब सीरीज का आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ कि पहले वाला फ्रेंड देखो, हम लोग क्या ये वाला पॉइंट में लगाता हूँ, ये वाला पॉइंट में लगाता हूँ। पहले क्या देखो, ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है, देख सकते हो कि बड़ा वाला टर्मिनल है, बड़ा वाला है प्लस है और जो छोटा वाला है नेगेटिव है, मतलब माइनस है। तो हम लोग क्या, पहले प्लस वाला जो है, तो प्लस वाला नीचे की तरफ लगाते हैं, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से, नहीं तो हो सकता है। फ्रेंड्स देखो, ये प्लस वाला नीचे और माइनस वाला ऊपर। तो फ्रेंड्स देखो, बहुत ही अच्छा तरीके से पीसीबी बोर्ड में लग चुका है। तो फ्रेंड्स देखते हो, पीछे तरफ ऐसा होगा प्लस और माइनस। तो फ्रेंड्स, अभी क्या करना है, हम लोग को जो ग्रीन कलर का बल्ब है, हाँ फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का बल्ब है, देख सकते हो ये वाला ग्रीन कलर का बल्ब। तो इस बल्ब को जो देख सकते हो, ये वाला नेगेटिव है, तो दूसरे वाला बल्ब में जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल देख सकते हो, जो बड़ा वाला टर्मिनल है, वो पहले लगेगा, मतलब नीचे लगेगा और ऊपर लगेगा नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो। तो फ्रेंड्स चलो, इसको भी उतर देता है, ऐसे करके जितने सारे बल्ब है आप क्या लगा दो बहुत ही आसानी तरीके से। पहले रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू लगा दो, फिर देखो लगाने के बाद कुछ इस तरह का होगा, मतलब एलईडी बल्ब लग जाएगा और पीछे की तरफ इस तरह से लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जितने सारे पिन है ना, मतलब जो टर्मिनल है, सारे के सारे हम लोग क्या सोल्डर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सोल्डरिंग करने के बाद जिसका देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाला टर्मिनल और ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर दो, ऐसे करके सीरीज लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी कर देते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि जितने सारे पिन है, सारे कट कर लिया हमने। तो फिर क्या शॉर्ट करना है, स्टार्ट मतलब दोनों पिन हम लोग क्या बहुत आसानी से शॉर्ट कर देंगे सीरीज लाइन में। तो फाइव रेजिस्टेंस को हम क्या कुछ इस तरह से लगाएंगे,
कि एक पॉइंट लगेगा इसमें, देख सकते हो जो सीरीज में लगा हुआ है इसमें, और दूसरे के किसी भी पॉइंट में लगा तो लगाने के तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये वाला जो शॉर्ट है ना, फिर देख सकते हो पीसी बोर्ड में ये वाला जो शॉर्ट लाइन है, इसमें लगाओगे तो और भी अच्छा हो जाएगा ये काम करने में, क्योंकि ये बाद में हम लोगों के दूसरा जो पॉइंट है तो सारे के सारे शॉर्ट करने हैं। तो सर्किट में आप सर्किट ड्रैगम में आप सारे देख सकते हो, क्योंकि मैं सर्किट ड्रैगम दे दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट में। फ्रेंड्स देखो कुछ इस तरीके से हम लोगों का बैठाना है और जितने सारे डिस्टेंस है सारे, तो फ्रेंड देख सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से सारे डिस्टेंस लगा दिया है। हाँ मतलब पीसी बोर्ड में अभी क्या सोल्डरिंग करना है सारे के सारे डिस्टेंस को, तो किस तरह से हम लोग को क्या सोल्डरिंग करना है आप देख सकते हो कि एक एक डिस्टेंस देख सकते हो सारे डिस्टेंस शॉर्ट है, मतलब एक साइड का पिन, और दूसरे साइड में जो पॉइंट देख सकते हो फ्रेंड्स ये वाला, मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसमें हम क्या ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस का पॉइंट हम लोग क्या इधर एक पॉइंट इधर लगाएंगे और दूसरा पॉइंट जो शॉर्ट है शॉर्ट वाला लाइन में लगाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट सोल्डर कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो कि जितने सारे पिन है सारे कट कर लिया और बहुत ही अच्छा मतलब सोल्डरिंग भी हो गया अच्छे तरीके से। अब देख सकते हो तो सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इसको इसके साथ जो वायर है मतलब वायर लगाना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए। तो जो देख सकते हो फ्रेंड्स ये वाला हम लोग का क्या पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, और जो शॉर्ट हुआ है जितने सारे डिस्टेंस है आप देख सकते हो ये वाला क्या नेगेटिव वाला टर्मिनल है, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। तो फ्रेंड देख सकते हो कि नेगेटिव वाला वायर लग चुका है, और अभी ये वाला जो टर्मिनल है मतलब रेड कलर का जो 12 वाला टर्मिनल मतलब पॉजिटिव वाला टर्मिनल, हम लोग क्या एक ग्रीन मतलब ब्लू कलर का जो वायर है ये पॉजिटिव के लिए यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, और रेड कलर का होता तो बहुत अच्छा होता लेकिन अभी यार मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला कट कर लेता हूँ, फिर ये वाला जो मतलब टर्मिनल के साथ पॉजिटिव वाला लगा देता हूँ। तो फ्रेंड लगाने के बाद क्या हमारा जो सर्किट है पूरा कंप्लीट हो चुका है, और दोनों वायर भी बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है, मतलब क्या फुल कंप्लीट है। अभी क्या इसका टेस्ट करने का बारी आ गया कि सर्किट अच्छा हो मतलब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, और इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, कितना कितने वोल्टेज है तो अंदाजा लगा सकते हैं कितने परसेंट हो सकते हो बैटरी में शायद। तो चलिए इसको क्या चेक करते हैं मतलब टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हो कि ये वाला जो सर्किट है फ्रेंड्स ये वाला क्या आपको 15 वोल्ट में बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट करेगा, मतलब जो पांचों बल्ब है 1 2 3 4 5 ये सारे या सारे जलेगा जब इसमें 15 वोल्ट इनपुट होगा उसी टाइम में सारे वोल्ट मतलब जलेगा। लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल 12 वोल्ट नहीं है लेकिन 6 वोल्ट का 2 बैटरी है देख सकते हो, और सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो मतलब क्या इसमें 12 वोल्ट निकल रहा है। तो इसके साथ क्या एक 10K जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है वो लगा दिया है, क्योंकि कितने मतलब ठीक ठाक वर्क कर रहे कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो चलिए क्या इसको साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो कि ए वाला पॉजिटिव लगा दिया है पॉजिटिव वायर के साथ, और ए वाला नेगेटिव नेगेटिव लगा दिया है नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का, और दोनों बैटरी का लगा दिया है। तो अभी क्या जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस और पीसेट भी बोल सकते हो, तो ए वाला क्या हम लोग क्या धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और इधर उधर से कोई तार जुड़ा नहीं है आप देख सकते हो वायर इसी तरह इसी में है, और बोल सकते हो कि दूसरे में लगाया तो ठीक है ऐसा कोई बात नहीं है देख सकते हो इधर ही है। तो फ्रेंड्स ए वाला जो पीसेट है मतलब जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है धीमे धीमे मतलब बहुत ही धीमे से घुराएंगे, क्योंकि आपके मतलब घुमाएंगे और वोल्टेज इनपुट करेंगे इस सर्किट से अंदर से, तो आप देख सकते हो कि ए वाला मतलब धीरे धीरे ग्लो होगा जो बल्ब है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स जो पहला वाला रेड कलर है जल चुका है, मतलब क्या 3.7 या 4 वोल्ट के आसपास इस पे इनपुट हो रहा है ये इंडिकेट कर रहे हैं, और थोड़ा बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स और ग्लो हो रहा है, दूसरा वाला बल्ब थोड़ी बहुत ग्लो हो चुका है। चलो रुको फ्रेंड्स ये वाला जो बल्ब है पहले बंद कर देता हूँ। आप सर देख सकते हो कि ये दो 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 नंबर का जो बल्ब है वो ग्लो हो चुका है, मतलब इसके अंदर 5 से 6 वोल्ट इनपुट हो रहा है, तो आप देख सकते हो धीरे धीरे वो भी बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हो अभी क्या थोड़ा बहुत घुमाया क्या तीसरा बल्ब भी जलने लगा है, मतलब क्या इसमें थोड़ा और वोल्टेज इनपुट हो रहा है ऐसे करके क्या और घुमाया, तो फ्रेंड देख सकते हो कि इसमें कम से कम 12 वोल्ट के आसपास है 10 या 11 वोल्ट के आसपास वोल्टेज इनपुट हो चुका है, इसलिए क्या तीनों बल्ब जल रहे हैं मतलब चारों का चारों बल्ब जल रहे हैं, और 15 वोल्ट इनपुट करता है तो ये वाला जो पाँच मतलब लास्ट वाला जो बल्ब है ये भी जल जाता, लेकिन अभी तो मेरे पास नहीं है मतलब 15 वोल्ट तो अभी नहीं जल रहे, तो आप
आपके पास है तो आप जरूर देख सकते हो कैसे करके आपका बैटरी का जो इंडिकेटर हो इंडिकेट बैटरी का जो बैटरी का जो चार्ज है वो विदाउट वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। ये वाला इंडिकेटर से बहुत ही ईजी, बहुत ही मतलब बहुत ईजी है ये सर्किट बनाना और बहुत ही आसान तरीके से जल्दी बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप फटाफट बनाओ यार। तो वीडियो को अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।